यूपी के बुलंदशहर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के तमाम दावों की पोल खोलती है। एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप भी भावुक हो उठेंगे। यहाँ एक परिवार जिस शौचालय में शौच करता है उसी में बच्चों के लिए खाना बनाता है और खाना खाकर वहीं सो जाता है। योगी सरकार प्रदेश को डिजिटल और स्मार्ट बनाने के लिए भले ही लाख दावे करती हो, लेकिन सिर्फ एक तस्वीर सरकार की तमाम योजनाओं को पलीता लगाती नजर आ रही है। टाइम 24 न्यूज़ के संवाददाता हामिद सैफी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पड़ताल की, जिसमें सरकार की तमाम योजनाएं खोखली साबित हुई हैं। रिपोर्ट देखिए। टाइम 24 की टीम आज बुलंदशहर के खुर्जा के गांव हजरतपुर में मौजूद है और यहां हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो तस्वीर आपको भी भावुक कर सकती है। तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये एक झोपड़ी बनी हुई है यहाँ। जैसा हमने परिवार से बातचीत की तो इन्होंने बताया कि ये जगह ग्राम समाज की है। हालांकि परिवार करीब 7 साल से यहाँ गुजर बसर कर रहा है, ना तो इनके पास पक्का मकान है और ना ही पक्की छत। हालांकि बरसात का मौसम है और बरसात आने के कारण यहाँ जलभराव हो जाता है और ये जो झोपड़ी है ये टपकने लगती है, जिससे परिवार को परेशानी होती है और मजबूरन परिवार को एक शौचालय में रहना पड़ता है। वहीं खाना बनाते हैं, वहीं बच्चों को खिलाते हैं और वहीं इन्हें सोना पड़ता है। घर की मुखिया हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं इनकी परिस्थिति क्या है, क्या कंडीशन है। क्या नाम है आपका? पायल। कब से रह रही हैं यहाँ पे आप? 7 साल से। मुझे ज़रा अपने बारे में बताइए, परिवार में आपके कौन कौन हैं? परिवार में पति हैं, क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। एक जेठ हैं और 3 लड़की हैं। सभी इसी घर में रहते हैं? हाँ। अच्छा, ये जो घर की हालत है आपकी कब से है ऐसी? 7 सालों से। तो जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत घर बनवाए जा रहे हैं लाभार्थियों को, आपने कभी अप्लाई नहीं किया इसके बारे में? किया है पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। कब किया था? मंगल दिवस में किया, मतलब हो गई, कई साल आए थे जब भी किया था, उसके बाद भी किया था, प्रधान से भी की थी, पर प्रधान कह रहा था आएगा जब बनवाएंगे, पर बनवाया नहीं अभी तक। अच्छा, शौचालय बना हुआ है, किसकी तरफ से बनाया गया? प्रधान की तरफ से। 10,000 रुपये दिए। 10,000 रुपये दिए उसने? आने तो 12,000 थे खाते में। 5,000 कीट मंगवाई, 5,000 रुपये नगद, 12 नहीं दिए, 10 ही आए हम पे। अच्छा, बाकी 2,000? बाकी 2,000 पता नहीं। अच्छा, इससे पहले भी आप प्रधान के अलावा कई अधिकारियों के पास भी गई हैं इस विषय में? नहीं, वो इसके तहसील दिवस में गई थी? ना, तहसील दिवस में भी नहीं गई है। नहीं, खाली उस मंगल दिवस में गए हम। हाँ, और वैसे भी फार्म वारम भरे पर अभी तक कोई मतलब आया नहीं है। कितने साल पहले अप्लाई किया? हो गए 2-3 साल। अच्छा, जब ये शौचालय के लिए अप्लाई किया, जब ये मकान के लिए अप्लाई किया, अधिकारी भी आए। परिवार का गुजारा कैसे होता है जब बारिश, अगर मान लो बारिश हो जाती है, जैसे बरसात का मौसम है, बारिश अगर यहाँ हो जाती है तो कैसे तरह से? बारिश आ जाती है तो लैट्रिन में चले जाते हैं, बारिश बंद हो जाती है तो इसमें सो जाते हैं, लैट्रिन में गुजारा करते हैं। गुजारा मतलब खाना पीना और रहना सहना सब? सब उसी में है, उसी में बाल करने लगे, उसी में दबक जाए। सदस्य तो ज्यादा है परिवार में, कैसे उसमें रहते हैं? सोना कहाँ होता है जब बारिश आती है? अब क्या करें, बैठे रहे में सो में कहा, पूरी रात उसी में बैठे रहते। अच्छा, रात भर अगर बारिश आएगी तो शौचालय में ही बैठे रहेंगी? हाँ, वहीं बैठे रहते हैं, बारिश में बाल करने लगे, सो में ना फिर। अच्छा, तो स्थिति बड़ी नाजुक है परिवार है की। क्या नाम बताया था आपने? पायल। पायल, इन्होंने बताया कि जब बारिश का मौसम होता है तो ये झोपड़ी की छत टपकने लगती है और मजबूरन परिवार को एक शौचालय में सोना पड़ता है, वहीं खाना पीना होता है, वहीं रहना होता है। अब आप ज़रा सोच कर देखिए, एक परिवार जिसमें करीब आधा दर्जन लोग हैं, वो परिवार अगर एक शौचालय में रहे, शौचालय की भी हालत आप देख लीजिए कैसी है, रहना पड़ जाए और इसी में खाना पीना हो, तो किस तरह से गुजर बसर करना होता होगा, ये भी आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रदेश सरकार भले ही लाख दावे करती हो कि वो और उसके नुमाइंदे घर घर जाकर जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, वो उनको दे रही हैं, लेकिन इस चौखट तक अभी तक सरकार की एक भी योजना नहीं पहुंची और वो इस चौखट पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ जाती हैं। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं, ये अंगीठी है जिस पर इनका खाना बनता होगा, मेरे ख्याल से तो यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये एक शौचालय है जो ग्राम प्रधान द्वारा बनाया गया था, हालांकि ग्राम प्रधान पर भी भ्रष्टाचारी का आरोप है। जो महिला मुखिया है उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान ने 5,000 की ईंट मंगवाई, 5,000 रुपये दिए, बाकी जो 2,000 थे, हालांकि शौचालय निर्माण के लिए सरकार की तरफ से 12,000 रुपये की राशि बताई गई थी, लेकिन
फिर भी उसके बाद भी परिवार को केवल 10,000 रुपये ही हाथ लग पाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचारी का ही एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं, जो इनको अब तक योजना का लाभ नहीं मिला है। इनका कहना है कि ग्रामीण आवास योजना में भी इन्होंने अप्लाई किया है और तहसील के चक्कर काट चुकी हैं, बावजूद इसके ना ही कोई अधिकारी और ना ही ग्राम प्रधान ने इनकी अभी तक सुध ली है। और करीब 7 साल से ये परिवार शौचालय और टूटी हुई झोपड़ी में रहने को मजबूर है। अपने सहयोगी शमसुद्दीन सैफी के साथ मैं हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज़, बुलंदशहर। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।